सो हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लाया हूँ गोश्त की प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलो ये शुरू करते हैं। गोश्त की प्रमेय, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/E0 गुना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है φE = Q/E0। इसको हमें इसे ही सिद्ध करना है। जहाँ E0 वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है, समाकलन करने पर φE = E×dA हो जाएगा, जहाँ A बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा E विद्युत क्षेत्र है। फिर इसकी उत्पत्ति लिख लेनी है। माना बिंदु एक आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P की 0 से दूरी R है। तो इसका ये चित्र बना लेना है, नीचे दिख रहा होगा आपको जैसे कि। फिर आगे हमें करना है, तो अब हमको इसका इंटीग्रल कर लेना है। इंटीग्रल करने पर ये हो जाएगा φE = (E×dA). तो φE = (E×dA cos θ). अब ये यहाँ पर E का मान लिख लेना है। E का मान है 1/4πE0Q/R2 और dA cos θ एज इट इज आएगा। तो φE = Q/4πE0 और ब्रैकेट में अलग से हो जाएगा dA cos θ/R2 φE = Q/4πE0 और ये हो जाएगा dΩ, जहाँ ओमेगा घनकोण है। अब पूरे पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो φE = (Q/4πE0 और dΩ और φE = Q/4πE0×4π, क्योंकि dΩ 4π होता है, तो ये सिद्ध हो जाता है। क्योंकि 4π से 4π कट गया, तो बचा हमारे पास φE = Q/E0। तो पीछे देख लीजिएगा हमें क्या सिद्ध करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।